कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन के साथ की है, वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद के हिमाचल प्रदेश सह मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित है। वहीं PFI की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। जहां भी PFI के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन किया, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उसके आतंक को समाप्त करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और PFI का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, ये स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। और क्या कुछ कहते हैं प्रांत सह मंत्री हिमाचल प्रदेश, आइए सुनते हैं। कर्नाटक चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक देशभक्त राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल की तुलना PFI जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ करना बहुत ही निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत की इकाई इसकी कड़ी भर्त्सना करती है और इस प्रकार की गतिविधियां जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही गई हैं, इसकी घोर निंदा हम करते हैं। बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के काम को पूरे देश भर में सन 1984 से स्थापना के उद्देश्य को लेकर अपना कार्य कर रहा है। देश के अंदर लव जिहाद की घटनाओं से बहन बेटियों को बचाने की बात हो, गौरक्षा के काम में बचाने की बात हो, कोरोना कालखंड में सेवा कार्य करने की बात हो, और पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला यदि कोई संगठन है तो बजरंग दल है। और गैर राजनीतिक और स्वयंसेविक संगठन के ऊपर इस प्रकार की कुठाराघात करना बहुत ही निंदनीय है। इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस अपने आप को एक गहरी खाई की तरफ धकेल रही है और PFI से तुलना करना एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि PFI वो संगठन है जहां पर हम देखने पर पाया जाता है कि राष्ट्र के विरोध के अंतर्गत हमेशा वो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं जो अप्रस्तावित रहते हैं। और वैसे भी कांग्रेस का चरित्र हमें मालूम ही है कि संसद के अंदर उस समय भी उन्होंने सिमी का विरोध करने की अपेक्षा उनका समर्थन किया था और वो सिमी जो आतंकवादी घटनाओं में हमेशा संलिप्त रही है। और विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत इकाई इसमें कांग्रेस के प्रति अपना गहरा विरोध और रोष प्रकट करती है।